नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये जो पौधा आपके सामने है, ये सुख शांति का पौधा है और इसको घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। मतलब ये जिस घर में होता है उस घर में सुख समृद्धि धन इसे रहता है और हमारे घर में धन धान्य भी होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है इसको। इसको ज़्यादातर जो होते हैं लोग बिजनेसमैन होते हैं, अपने ऑफिस, स्कूल और हॉस्पिटल वगैरह में लगाते हैं, क्योंकि इसका लगा होना बहुत शुभ होता है और इससे जो होती है पॉजिटिविटी आती है घर में, ऑफिस दब जहाँ पर भी इसको रखते हैं वहाँ पर। और ये देखने में बहुत प्यारा लगता है। अभी तो ये छोटा है और भी बड़ा हो जाएगा, बरसात में ज़्यादा ही ग्रोथ करता है ये। और देखो इतनी गर्मी पड़ने के बाद भी इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। कुछ मैंने बीच में से इसको काट दिया है क्योंकि ज़्यादा बड़े हो गए थे तो मैं झुकने लगे थे, उन टहनियों को मैंने निकाल दिया है। और मेरा जो दिखाने का पर्पज है, आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी क्योंकि इसकी जो जड़ है वे गमले के नीचे तक निकल आई हैं, वो गमले में ऊपर भी भर चुका है। जब पानी डालते हैं तो ये पानी नहीं सोख पाता, इस तरह इसकी जड़ें हो गई हैं। तो हम इसकी रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने से पहले अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि पूरा देखने से ही पूरी जानकारी मिलती है और कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना। हम इसे आपको घुमाकर भी दिखाते हैं, इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी है और देखने में बहुत प्यारा लगता है ये। जहाँ पर रखा होता है हरियाली हरियाली रहती है। इसको हमने बाहर ही रखा हुआ था, हमारा जो अब की बार टेम्परेचर रहा वो 47-48 पर रहा, तो हमने इसे ऊपर छत पर ही जो हम गार्डनिंग करते हैं उसी में रखा हुआ था। और देखो इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी है। किस तरह हो चुका है ये, और इसको लगाना भी बहुत आसान होता है। अगर दोस्तों आप इसको लगाना चाहते हो तो ये सीज़न बहुत बेस्ट है इसके लिए। आप इसको इसकी कटिंग लेकर लगा सकते हो और इस पर बीज भी आते हैं, ये उससे भी उग जाता है। नहीं तो आप इसकी कटिंग से बड़ी आसानी से लगा सकते हो। जैसे इसके पास से बहुत से पौधे निकले हैं, यहीं से एक पौधा निकाल कर लगा लीजिए। अब हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। तो अब जैसा आप देख पा रहे होंगे, हमने इस पौधे को गमले से बाहर कर दिया है अपने, और हल्का हल्की सी बूंदे हो रही हैं, बहुत हल्की हल्की सी बूंदे पड़ रही हैं। तो मैंने इस पौधे को रिपोर्टिंग करने का सोचा क्योंकि जब तेज़ बारिश होती है तो उसमें ये काम भी नहीं हो पाता। और मिट्टी बर्तन के अंदर मिट्टी को निकाल लिया है जिससे मिट्टी भी बारिश में ख़राब ना हो, और ये गमला भी हम पौधा भी निकाल दिया है पूरी तरह। देखो रूट इसकी, और रूट गमले में देखो किस तरह फैली हुई है, कितनी रूट निकली है इसकी। और अभी तो निकालनी बाकी है, मतलब नीचे तक की जो मिट्टी है भरी पड़ी है, वो जड़ों से भर चुकी है। और ये पौधा भी हमारा, तो हम इसकी जड़ जितनी हमें काटनी थी हमने काट दी, बाकी नहीं काटेंगे। अब हम इसको दूसरे गमले के अंदर रखेंगे, हल्की मिट्टी बनाकर भुरभुरी, जिससे इसकी जड़ें अच्छी तरह ग्रोथ कर पाए और अपने पौधे को। इसके पौधे की सबसे खास बात ये रहती है कि इसके अंदर जो होता है ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। जैसी आपके पास मिट्टी है उसमें लगाओ, बस गोबर की खाद मिला और लगा दो। इसमें फंगस भी नहीं आता, कोई फंगस वाली भी बात नहीं है कि ज़्यादा पानी आ गया, कम पानी आ गया, या फिर आपने ये खाद डाली वो डाली, ये कोई सब दिक्कत इस पौधे के अंदर नहीं आती। आप इसको एक बार लाओ और लगा दो, बस उसके बाद ये पौधा जाने और इसका काम। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा पौधा सक्सेसफुल निकल चुका है, और ये हमारा जो पॉट है जिसमें लगा हुआ था, रूटी रूट भरी पड़ी हैं इसके अंदर, रूट हैं इसके अंदर, बड़ी बड़ी भी हैं और छोटी भी हैं, रूटी रूट हैं इसकी मिट्टी में। इसकी मिट्टी को निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम इसको दूसरे पॉट के अंदर लगाएंगे। ये हमारा पौधा है, कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी, और ये जड़ें हैं जिनको हमने काट दिया है, पहले से तैयार कर लिया है, और कुछ हम डाल देंगे साथ के साथ अभी। और अब अपने पौधे को लगाना शुरू करते हैं। थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे दी है, मिट्टी में हमने रेत मिलाया है, और मिट्टी के अंदर हमने रेत मिलाया है, चाय की पत्ती सूखी हुई अच्छी तरह धोकर, और गोबर की खाद मिलाई है, वर्मी कंपोस्ट मिलाई है,
फंगिसाइड मिला है हमने, सब तरह से मिट्टी मिलाकर अपनी तैयार कर ली है। अब हम इसमें पौधा लगा देंगे। पौधे में वजन ज़्यादा है तो एक हाथ में फोन है, एक से पौधा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छे से दबा देंगे, मिट्टी को अच्छे से दबा देंगे, जिससे पानी डालने के बाद हमारी मिट्टी नीचे को ना जाए। पौधा हमारा लग चुका है पूरी तरह। अब इसमें हल्का पानी देंगे, वैसे तो हल्का भी हो रही है, मतलब हल्की हल्की बारिश भी है, पर फिर भी हम इसकी जड़ को पानी देंगे। बारिश का क्या पता हो या ना हो, तो पौधे को पानी ज़रूरी है, हमने रिपोर्ट किया है। पानी दे दिया है और पौधा हमारा लग के तैयार हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ओके बाय।